बेतिया में इन दिनों प्रतिदिन ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। नगर से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ठंड के कहर की मार झेलने में असमर्थ हैं। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो विभाग ने बताया कि आगामी कुछ दिनों तक ठंड का प्रकोप वर्तमान परिस्थितियों से भी अधिक बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे हालातों को देखते हुए पत्रकारों का संगठन वाल्मीकि प्रेस क्लब, यूनिट ऑफ वाल्मीकि प्रेस ट्रस्ट ने ठंड से निजात के लिए नगर निगम के विभिन्न जगहों पर अलाव की व्यवस्था की। बता दें कि मंगलवार की संध्या वाल्मीकि प्रेस क्लब, यूनिट ऑफ वाल्मीकि प्रेस ट्रस्ट से जुड़े पत्रकारों व कर्मचारियों ने नगर निगम बेतिया व अभी अभी ग्रामीण क्षेत्र से नगर निगम हुए विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है। प्रतिवर्ष पत्रकारों का यह संगठन ऐसी सामाजिक कार्यों को करते आ रहा है, चाहे जरूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था या बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए पठन पाठन सामग्री उपलब्ध कराना या ठंड से राहत पाने हेतु गर्म कपड़े को उपलब्ध कराना। ट्रस्ट के सचिव निरंकार भास्कर ने बताया कि हमेशा की तरह इस बार भी हमारी संस्था ने सामाजिक कार्यों के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। संस्था के सदस्यों की बैठक में ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि उन राहगीरों को सिर्फ अलाव की व्यवस्था ही राहत दिला सके। विरोध पंचायत आगे जाइएगा, बड़ा विरोध पड़ेगा, कठैया पड़ेगा, सब नगर निगम आ रहा है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं, आप जाके देख सकते। हेलो, अभी जो काफी ठंड पड़ रहा है, नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का कोई सहायता मुहैया, कोई सहायता मुहैया नहीं कराया गया। आज आज जो ये अलाव जलाया गया है, तो ये किसके द्वारा जलाया गया है? ये स्वयं अपना वाल्मीकि प्रेस ट्रस्ट, वाल्मीकि प्रेस ट्रस्ट के द्वारा जला अलाव का व्यवस्था किया गया है। एक बार फिर से बोलिए। वाल्मीकि प्रेस ट्रस्ट के द्वारा अलाव का व्यवस्था हुआ है। अच्छा अच्छा, इसके पहले कोई भी मेयर के द्वारा चाहे प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, नगर निगम के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं। तो लेकिन इधर ध्यान नहीं है सर, ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी ध्यान नहीं है। इधर यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि उनको दीजिए, उनके निर्वाचित अभी जितने जनप्रतिनिधि हुए हैं, क्या उनके द्वारा कोई व्यवस्था किया गया अलाव का? कोई व्यवस्था नहीं। बेतिया में तो अलाव की व्यवस्था किया गया, कंबल बांटा जा रहा है, तो इधर नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कोई नहीं है। अच्छा, इधर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। कहाँ घर पड़ेगा आपका? ये बरोत पसरा पड़ेगा।